दोस्तों एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था तो मेरी नजर एक शेर पर पड़ी जो बड़ी खामोशी के साथ बैठकर सामने से आते हुए बकरियों के झुंड को देख रहा था, जो सामने से शेर की ओर चली आ रही थी। फिर उस हजारों की झुंड वाली बकरियों की नजर उस शेर पर पड़ी और शेर को देखते ही वो वहां से मुड़ गई। दोस्तों ये बात मेरे अंदर तक प्रवेश कर चुका था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है शेर जंगल का राजा है, इसलिए बकरियां देखकर उन्हें भाग गई होगी। पर दोस्तों शेर को जंगल का राजा बनाया किसने, जबकि जंगल का तो सबसे बड़ा जानवर हाथी है। जानवरों में सबसे तेज तो चीता दौड़ता है, लंबाई में सबसे बड़ा तो जिराफ होता है। इसके बावजूद भी शेर को जंगल का राजा किसने बनाया, हमने? अरे नहीं भाई, शेर को जंगल का राजा असल में किसी ने नहीं बनाया। असल में शेर को जंगल का राजा उसकी ऊंची सोच, उसकी खामोशी और उसके एटीट्यूड ने बनाया है, जो अन्य किसी जानवर में नहीं है। दोस्तों जहां हम थोड़ी सी मुसीबत पे बौखला जाते हैं, वहीं शेर हर मुसीबत को एक अवसर की तरह देखता है। खुद की काबिलियत को समझने का अवसर, खुद को सामने लाने का अवसर, खुद को पहचानने का अवसर और खुद को विनर बनाने का अवसर। दोस्तों आज हर कोई राजा बनने का ख्वाब देखता है, बट मेरे भाई राजा बनने के लिए तप, त्याग और तांडव, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटी नहीं है, है बस इसे निखारने और दिखाने की सख्त जरूरत है। दोस्तों अब तक जितने भी सफल इंसान हुए हैं उनमें ये तीन क्वालिटी कॉमन रही है। पहला कॉन्सिस्टेंसी यानी निरंतर प्रयास, कभी हार न मानने की आदत। दूसरा वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय की कीमत, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो कभी लौट कर नहीं आती। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे और अपने काम पे अटूट विश्वास। दोस्तों ये वीडियो मैं किसी इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते नहीं, बल्कि आपके छोटे भाई होने के नाते बना रहा हूँ। और ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि मेरे भाई अब भी वक्त है, वक्त रहते वक्त की कद्र कर लो, अगर शेर की तरह आन बान और शान से जीना है तो। वरना मेरे भाई यकीन मानो तुम्हारे अपने ही तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं, और आपको उन्हें किसी भी परिस्थिति में गलत साबित करके खुद को विनर बनाना है। दोस्तों मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करो, बस इस चीज़ को अपने लाइफ में फॉलो करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे नई बातें और नई हालातों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।